राधे राधे, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आपका जो क्लास स्टार्ट, मतलब क्लास जो कंप्लीट हुई है, वो लास्ट चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। आइए, अब इसमें जो अगला चैप्टर आपका जो शुरू होने वाला है, वो आपका नर्वस सिस्टम शुरू होने वाला है। तो अगला चैप्टर आप डाल लीजिए नर्वस सिस्टम। कौन सा चैप्टर है आपका? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इसमें एक चीज आप जान लीजिए कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, जैविक क्रियाएं होती रहती है, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें चलती हैं। तो इसमें अगर नर्वस सिस्टम को अगर एक लाइन में हमें समझना हो, तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी क्रियाओं को ये कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। तो ये नर्वस सिस्टम है क्या? ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, अंगों का समूह है। तो ये एक ऐसे अंग का समूह है जिसके द्वारा बॉडी के जो विभिन्न ऑर्गन हैं, या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, उन सारे सिस्टम्स को ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, सांस ली फिर छोड़ दी, कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। तो ये जितने भी बॉडी के, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सरेटरी सिस्टम हो बॉडी में, चाहे जितना भी आपका सिस्टम है, वो टोटल के टोटल सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। तो इसमें हम अगर लिखना चाहें एक लाइन में, तो आप लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे यह अंगों का वो समूह है, आप लिख लीजिए चाहे, यह अंगों का यानी कि ऑर्गन्स का वह समूह है, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों और उसके सिस्टम समूहों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ये ऐसे अंग का समूह है जिससे बॉडी के जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम है, जितने भी आपके सिस्टम है, वो टोटल के टोटल सिस्टम आपका तंत्र का तंत्र से, यानी कि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ये पूरा हमारा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन से बॉडी का हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक ऑर्गन, या बॉडी का हर एक ऑर्गन सिस्टम, वो सारा का सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो बात आती है कि आखिरकार हमारी बॉडी में ये नर्वस सिस्टम होता कितने प्रकार का है? तो ये कितने प्रकार का होता है? ये आपका तीन प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। एक इंसान की बॉडी में कितने प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है? ये सब तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका सीएनएस, एक है आपका पीएनएस, और एक है आपका एएनएस। सीएनएस का मतलब क्या है? सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय, सेंट्रल कर लीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? ये आपका है पेरिफेरल
पेरी फेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसको क्या बोलते हैं? परिधीय, परिधीय तंत्र का तंत्र। और एएनएस क्या होता है? एएनएस होता है ऑटोनोमस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वायत्त, स्वायत्त तंत्र का तंत्र। तो हमारी बॉडी में तीन प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्र का तंत्र, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और आपको हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सीएनएस के बारे में। और सीएनएस में ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आपका ब्रेन और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन को क्या बोलते हैं? ब्रेन को बोलते हैं मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को बोला जाता है हिंदी में मेरु रज्जु, तो सीएनएस जो मिलके बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मिलकर बना होता है, ये सेंटर क्यों बोल रहे हैं इसे? सेंटर इस वजह से बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन का ये पार्ट हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहां से निकलती है, बैक एंड से यहां से निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंटर में है इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्यों बोला जाता है नर्वस सिस्टम? परिधीय तंत्र का तंत्र कौन सा है? यानी कि इस आपका जो ब्रेन है और ब्रेन के पीछे वाले हिस्से से आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है और इससे आपके बहुत सारा नर्वस सिस्टम का जाल है पूरी बॉडी में, यहां से नर्वस सिस्टम जा रहा है और पैरों में लेग्स तक पूरा नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। तो यानी कि जो हमारी परिधि पर है, वो परिधि पर होने के कारण इसको उस नर्वस सिस्टम को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है, परिधीय तंत्र का तंत्र बोला जाता है। एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्र का तंत्र, यानी कि इन दोनों के साथ साथ में एक ऐसा तंत्र और होता है जो ऑटोनोमस होता है, स्वायत्त होता है, वो खुद से अपना फंक्शनिंग करता है। तो मोस्टली जो पीएनएस है और एएनएस है, ये एमबीबीएस और जो जो डॉक्टरेट की तैयारी करते हैं, डॉक्टर की तैयारी करते हैं और या उसकी स्टडी कर रहे हैं, एमबीबीएस है, एमएस है या जो भी आपका डिग्री है, तो उसके लिए लोग पीएनएस और एएनएस को पढ़ते हैं। और हम लोग जो पढ़ते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो यहां पर हम जो स्टडी करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, अर्थात सीएनएस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप सीएनएस, हेडिंग क्या डालेंगे? सीएनएस। और सीएनएस में आपका क्या है? सीएनएस में आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, तो हेडिंग डाल लीजिए आप ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि ब्रेन किस तरीके से हरकतें करता है, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, कैसे मैसेज जा रहा है, कैसे मैसेज आ रहा है पूरी बॉडी में। तो इसको हम लोग बहुत बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डाल लीजिए आप ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन, क्योंकि हमें ह्यूमन ब्रेन से मतलब है। अब गधा घोड़ा बकरी के ह्यूमन ब्रेन को तो हमें पढ़ना नहीं है, हमको तो ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, यानी कि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? मानव मस्तिष्क। हम सब इंसान हैं और इंसान के ब्रेन को बारे में जानने का प्रयास करेंगे, बाकी हमें किसी भी एनिमल्स के बारे में हमको जानना नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रेन है, ब्रेन की स्टडी किसमें की जाती है, ब्रेन की जो स्टडी है वो किसमें की जाती है, ब्रेन का जो अध्ययन किया जाता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी, में इसका अध्ययन किया जाता है। न्यूरॉन्स जो आपका है, ये न्यूरॉन से निकला है, और लॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी करना। तो
न्यूरॉन्स ये हमारा ब्रेन है क्या? ये पूरे टोटल तंत्रिका तंत्र जो है, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स है, वो पूरा न्यूरॉन्स का ही स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्टडी जो की जाती है वो किसमें की जाती है? न्यूरोलॉजी में की जाती है। और ब्रेन का जो डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। तो डॉक्टर क्या कौन होता है? अगर इसके डॉक्टर की हम बात करेंगे तो डॉक्टर साहब होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क विशेषज्ञ, समझ आ रहा है? तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जब कभी सर में दर्द होता है या ब्रेन में पेन होता है, आधे सर में पेन हो रहा है या पूरे सर में पेन हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, या कोई भी तरीके से आपका बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका संबंध सीधे ब्रेन से है। और उस डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपका कौन होगा? न्यूरोलॉजिस्ट होगा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट आपने ये जाना ब्रेन के बारे में, और दूसरा पॉइंट अगर जानेंगे तो आप ये देखेंगे कि आखिरकार ब्रेन की लोकेशन कहाँ है। लोकेशन कहाँ है हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी में लोकेशन कहाँ है? तो आप लिखेंगे बिलो टू क्रेनियम। बिलो टू क्रेनियम यानी कि क्रेनियम क्या है? क्रेनियम आपका है, इसको ए कर लीजिए, ए है क्रेनियम। यानी कि क्रेनियम को बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं, कपाल। ये कपाल के नीचे होता है। कपाल क्या होता है? ये आपकी कपाल जो है वो आपका एट बोन का स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल कितनी बोन होती है? इसमें टोटल आठ हड्डियां होती हैं, आठ बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियां होती हैं, आठ हड्डियां होती हैं। तो ये क्रेनियम है, क्रेनियम के नीचे ब्रेन की लोकेशन है। इसकी लोकेशन कहां है? बिलो टू क्रेनियम, कपाल के नीचे। और कपाल में टोटल कितनी बोन्स होती है? टोटल आठ हड्डियां उसमें होती हैं। तो जब हम आपका स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आगे डीप बात करेंगे कि हड्डियां कैसे कैसे कहां कहां सेट होती हैं। बस अब आप पहले ये जान लीजिए कि ब्रेन की लोकेशन कहां है साहब। ब्रेन की लोकेशन है आपकी क्रेनियम, बिलो टू क्रेनियम यानी कि कपाल के नीचे, और इसमें टोटल आठ बोन्स होती है। इसकी लोकेशन यह है, बात समझ आ रही है? अब बात हम करते हैं इसमें ब्लड कितना प्रेजेंट होता है। ब्लड जो हमारा सर है, जो ब्रेन है, इस ब्रेन में कितना ब्लड इसमें प्रेजेंट रहता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक से डेढ़ लीटर। कितना रहता है? एक से डेढ़ लीटर। यानी कि टोटल अगर बॉडी की बात करोगे तो टोटल बॉडी में कितना, टोटल बॉडी में कितना ब्लड होता है? टोटल ब्लड कितना होता है बॉडी में? पांच से छह लीटर, पांच से छह लीटर होता है। तो आपका अगर सिर्फ ब्रेन में बात करोगे, ब्रेन में ब्लड कितना है, तो एक से डेढ़ लीटर ब्रेन में ब्लड प्रेजेंट होता है। तभी तो आप देखते हैं कि बहुत, जब किसी को सर की चोट लगती है तो बहुत सारी ब्लीडिंग होती है। तो इसमें इतना सारा ब्लड प्रेजेंट होता है, और जबकि पूरी होल बॉडी में आप देख रहे हैं कि पूरी होल बॉडी में सब पांच से छह लीटर है। पांच से छह लीटर में से मात्र एक से डेढ़ लीटर ब्लड तो आपका ब्रेन में ही है। तो ब्लड का आपको मालूम पड़ा। अब बात करते हैं इसके वेट की। किसकी बात करते हैं? इसके वेट के बारे में जानते हैं आखिरकार इसमें वेट कितना होता है। उधर देख लीजिए, अगला पॉइंट इधर कर लीजिए, इसके नीचे आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके वेट की, इसमें वेट कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के टर्म में तो बोलते हैं कि टोटल बॉडी वेट का 2%, टोटल बॉडी वेट का कितना है? ये 2% है। यानी किसी व्यक्ति में मान के चलिए अगर 60 केजी वजन है तो 60 केजी का 2% कितना हुआ? 2% कितना हुआ? 6 × 12 यानी कि लगभग 1200 ग्राम। तो एक ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति का वेट अगर संतुलित है, बैलेंस है, तो बोला जाता है कि टोटल बॉडी वेट का 2% ब्रेन का वेट होता है। लेकिन अब किसी व्यक्ति में तो मान लीजिए 150 किलो वजन है, तो 150 केजी का अगर 2% निकालोगे, 150 केजी का अगर 2% निकालोगे, यानी 3 केजी का हो गया। इतना तो वेट होता ही नहीं है ब्रेन का। तो लेकिन ऑन एन एवरेज है, ये किसी व्यक्ति का एवरेज, अगर वेट 60 से 65 केजी होता है, 60 से 70 केजी तक होता है, तो ऑन तो लगभग आपका 2% बॉडी वेट का 2% ब्रेन का वेट होता है। लेकिन जनरली अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो जनरली आपका वेट इतना देखने को मिलेगा। तो कितना वेट मिलेगा जनरली देखने के लिए? तो आप अगर एडल्ट फीमेल की बात करोगे, सॉरी एडल्ट मेल की बात कर लेते हैं,
एडल्ट मेल की बात कर लेते हैं, तो एडल्ट जो युवा है, जो अपना पूरी लगभग एज कंप्लीट एज लगभग उसकी मैच्योर हो गई है, तो उस व्यक्ति की और जो मेल है पुरुष है, तो उसमें लगभग लगभग आपका कितना वेट होगा, लगभग वेट होगा 1400 से 1450 ग्राम, 1400 से 1450 ग्राम। और यदि एडल्ट फीमेल की हम बात करें, यानी कि एक स्त्री के ब्रेन के वेट की बात करें, तो यह लगभग होता है, ये कई जगह अलग अलग है, 1300 से 1350 ग्राम लगभग होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1300 से 1400 या 1350 ये ग्राम में यूनिट है ग्राम, तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन आइडियल क्या है, यानी कि तीनों में से कोई भी आपको ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये अलग अलग रिसर्च से है। तो 1300 से 1350 ग्राम लगभग एक फीमेल का होता है, यानी कि अमूमन जो फीमेल का जो वेट होता है फीमेल का, वो आपका मेल जो मेल का जो वेट होता है उससे लगभग 50 से 100 ग्राम कम होता है, किसका, फीमेल का। यानी कि फीमेल का जो वजन देख रहे हैं, ब्रेन का वजन, यहां पे मेल का वजन है 1400 से 1450 ग्राम, लेकिन फीमेल का वजन है 1300 से 1350 के लगभग, या 1300 से 1400 या 1350 से 1450, बात समझ आ रही है। तो लगभग आपका जो वेट है आपका यहाँ पे अलग अलग है, तो लेकिन अमूमन जो फीमेल का जो वेट होता है ब्रेन का, वो लगभग पुरुष की तुलना में महिलाओं का 50 से 100 ग्राम वेट कम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ब्रेन का वेट कम है तो महिलाओं में बुद्धि कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जनरली महिलाओं का जो वेट होता है ऑल ओवर जो बॉडी का वेट होता है वो पुरुषों की तुलना में कम ही होता है, इसलिए जब वेट कम है होल बॉडी का तो इसका मतलब है कि ब्रेन का भी वेट कम होगा, बात समझ रहे हैं। इससे आप ये अंदाज मत लगा लीजिएगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मतलब बुद्धि कम है, बुद्धि कम नहीं है, बॉडी वेट के हिसाब से उसका ब्रेन का वेट कम है। और आप जानते भी बहुत अच्छे तरीके से कि हर फील्ड में बहुत बेहतर कर रही हैं लड़कियां, आज तो हर फील्ड में लगभग है। तो ये वाला पॉइंट आप जाने। आगे हम बात करते हैं कि साहब, आगे बात करते हैं कि एक चाइल्ड में कितना होता है, जो बच्चा भी अभी जन्म लिया है, बॉर्न बेबी है, बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसमें लगभग लगभग 200 से 250 ग्राम तक उसमें ब्रेन का वजन होता है। और यही बच्चा जब 3 से 4 साल का ईयर का हो जाए, हो गया हो, तो लगभग इसका ब्रेन का वजन हो जाता है 300 से 350 ग्राम। जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, उसने अभी भी पैदा हुआ है, अभी अभी आंखें खोली हैं उस बच्चे ने, तो उस बच्चे का ब्रेन का वेट कितना होगा, लगभग 200 से 250 ग्राम इसका वजन होगा। और यदि बच्चे की उम्र 3 से 4 साल है तो वो वेट धीरे धीरे बॉडी का वेट बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से ब्रेन का वेट बढ़ रहा है। और लेकिन सैचुरेटेड पॉइंट पे आकर यदि बच्चा फीमेल है तो 1300 से 1350 या इनके बीच में, और या मेल है तो 1400 से 1450 ग्राम के बाद इसकी स्टेबल हो जाता है इसका वेट। ऐसा नहीं है कि 200 केजी का मतलब 200 केजी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें आपका क्या बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आपका 250 ग्राम से 300 ग्राम है, ठीक है ना, 250 ग्राम से ये आपका 300 ग्राम है, और ये 300 से 400 ग्राम है, ठीक है ना, 300 से 400 ग्राम है। आगे बात करते हैं अगर इंटेलिजेंट एनिमल की हम बात करें कि इंटेलिजेंट एनिमल कौन है। अगर इंटेलिजेंट एनिमल बुद्धिमान जीव की अगर हम बात करें, तो पूरे कायनात में जितने भी एनिमल है, चाहे घोड़ा, भेड़, बकरी, चीता, जितना भी आपका गाय है, भैंस है, सांड है, आपका जितने भी आपके एनिमल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई बुद्धिमान है तो वो बुद्धिमान है आपका कौन, ह्यूमन। मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई भी एनिमल नहीं है। अगर दूसरे नंबर की इंटेलिजेंस की बात करोगे,
इंसान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो वो आपका कौन है एनिमल्स में? डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन ध्यान रखिएगा, ये जो डॉल्फिन फिश है ये आपकी क्या है? ये आपकी मैमल्स है। कौन है? मैमल्स है, ये ध्यान रखना। स्तनधारी है, ये फिश नहीं है, स्तनधारी है, स्तनधारी जीव है। तो एनिमल, इंटेलिजेंट एनिमल में मानव सबसे ज्यादा है, मतलब बुद्धिजीवी की श्रेणी में आता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव है। अब ह्यूमन के बाद में अगर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी की अगर आप बात करोगे तो वो आपकी कौन है? वो डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिश है। तो ये मैमल्स है, मैमल्स की श्रेणी में आता है, एनिमल की श्रेणी में आपकी डॉल्फिन आती है, चाहे आपके डॉल्फिन हो, चाहे व्हेल हो, चाहे ब्लू व्हेल हो। तो ये आपकी डॉल्फिन फिश सेकंड आपका इंटेलिजेंट एनिमल है, फर्स्ट आपका ह्यूमन है, और दूसरी सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर कोई एनिमल है तो वो आपका डॉल्फिन फिश है। बात समझ आ रही है? अब आगे बात करते हैं हम लोग कुछ इसमें कुछ फैक्ट के बारे में, जान लेते हैं कि फैक्ट क्या है। एक दो फैक्ट और लिख लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बेसिक नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। देखिए और क्या है, और क्या जानकारी आपको लेनी है? आपका जो ब्रेन है, एक अगला पॉइंट डालते हुए चलते रहिएगा, जो ब्रेन है, ब्रेन वो हम अपने टोटल जो 100% जो ब्रेन पावर है उसमें मात्र हम ब्रेन कितना इस्तेमाल करते हैं? 2.5 से 3% तक हम इसका इस्तेमाल कर पाए हैं। कितना? 2.5 से 3% तक हम इसका इस्तेमाल कर पाए हैं ब्रेन का। और एक स्टडी में पाया गया है कि एक ब्रेन पूरे 24 आवर्स में लगभग 70,000 से 80,000 थॉट आते हैं दिमाग में। कितना थॉट आता है? 70 से थॉट, यानी कि विचार पूरे 24 घंटे में, पूरे 24 आवर्स में हमारे ब्रेन में कितने थॉट आते हैं? 70 से 80,000 थॉट आते हैं, विचार आते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास चल रही है, तो मैं जो बोल रहा हूं ये थॉट है, विचार है, शब्द है जो निकल रहे हैं। मेरा ब्रेन कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है इस क्लास में, ब्रेन के बारे में क्या डिस्कस करना है, या जो मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो ओवरऑल पूरे ब्रेन, मतलब ब्रेन में 24 घंटे में 70 से 80,000 थॉट आपका 24 घंटे में आता है। और बोला जाता है कि 70 से 80,000 में से 90% आपके कैसे थॉट है? 90% आपके नेगेटिव थॉट आते हैं और मात्र 10% ही आपका ये पॉजिटिव थॉट आता है, पॉजिटिव थॉट आता है। तो अब सोचिए कि 90% हम लोग नेगेटिव सोचते हैं और 10% हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। जितने भी आपके जो थॉट विचार आ रहे हैं, ओपिनियन आ रहे हैं, जितना भी सोच रहे हैं आप, तो 90% तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं लेकिन 10% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन हम इसको अगर कन्वर्ट कर दें कि 90% पॉजिटिव सोचे, 10% हम सिर्फ नेगेटिव सोचे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। व्यक्ति लगा रहता है, नेगेटिव आइडियोलॉजी लेके चलता रहता है, मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग नेगेटिव आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा घिरे रहते हैं, और नेगेटिव आइडियोलॉजी में घिरे रहने का ही कारण है कि बहुत सारे आपको नकारात्मक आइडियोलॉजी को लोग मिलेंगे, गलत प्रवृत्ति को लोग मिलेंगे, सही रास्ते पर चलने वालों की संख्या ना के बराबर बनी हुई है। तो ये आपका कारण क्या है कि हम मैक्सिमम 90% नेगेटिव थॉट ही हमारे दिमाग में आते हैं, हम बेहतर नहीं सोच पाते। और ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर पॉजिटिव अगर आइडियोलॉजी आप रखोगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे आप, तो निसंदेह विश्वास मानिएगा कि जीवन में एक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। हम लोग छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए पिताजी ने डांट लगा दी, तुरंत नेगेटिव ख्याल आएगा, उन्होंने पिताजी ने डांट क्यों लगा दी, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे नहीं बोलना चाहिए था बिल्कुल भी। तो हमारे ऊपर नेगेटिव विचार बहुत जल्दी हावी होता है। जैसे कि नॉर्मली आप जानते ही हैं, नेचर है क्या करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलती से कुछ बोल दिया गलती से, और बोलने के बाद में गलती से निकल गया, और बोलने के बाद में अगर ये जो गलत बात है इसकी जो उसने बोली, ये आग की तरह हवा में फैलेगी, आग की तरह पूरे सोसाइटी में चली जाएगी, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला। लेकिन यही व्यक्ति ने अगर सच बोला होता तो ये बहुत इसके आसपास, आप मान के चलिए कि इसकी सर्कमटेंसेस पे ही
आके दम तोड़ देती। अच्छी बातें, अच्छा विचार बहुत तेजी से नहीं फैलता है, लेकिन गलत विचार बहुत तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि गलत को सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। गलत को सुनने वाले लोग क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि 90% लोग गलत विचारधारा रखने वाले हैं, नेगेटिव सोचने वाले हैं, और मात्र 10% आइडिया ही हम लोग पॉजिटिव वे में सोचते हैं। हम नहीं जानना चाहते कि ये बात में अगर किसी ने गलत भी बोल दिया है तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसका फैक्ट क्या है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस मैन हैं या बिजनेस की मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी अपने जीवन के हर एक पहलू पर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने विचारों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में फोकस रखिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रह करके आप अच्छी सोच, अच्छी संगत, अच्छे दोस्त, अच्छे मित्रगण। तो एक कहावत है ना कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तिन जैसी। तो जैसी भावना होती है व्यक्ति का वातावरण वैसा ही बनता चला जाता है। तो आप नकारात्मक दृष्टिकोण से बचें, नेगेटिव आइडियोलॉजी से बचें। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च में यही पाया गया है कि 90% हम जितने भी थॉट आते हैं उसका 90% हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, और यदि इसको एक्सचेंज करते हैं तो यही आपकी एक तरीके से मान के चलिए मेडिटेशन है। यही मेडिटेशन और कुछ नहीं है। तो आगे चलें, और एक पॉइंट और आपको मुझे बताना है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन 24 आवर्स वर्क करता है। क्या करता है? 24 लगातार ये काम कर रहा है, सो रहा है, जग रहा है, चाहे जो भी स्थिति में है, ये 24 घंटे वर्क करता है। 24 आवर्स ये वर्क करता है, ये 24 आवर्स कार्य करता है। और जब कोई भी ब्रेन का या कोई भी बॉडी पार्ट अगर लगातार वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये 24 आवर्स ज्यादा, अगर ये लगातार 24 घंटे वर्क कर रहा है, भाई हार्ट बीट वर्क कर रही है या हम सो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सांस लेना बंद कर देते हैं। ये टोटल इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहे हैं? ये टोटल इंस्ट्रक्शन आपके आ रहे हैं ब्रेन से। ब्रेन बता रहा है कि आपको अब सांस लेनी है, अब छोड़नी है, अब सांस लेनी है। हार्ट बीट लगातार चल रही है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन लगातार चल रहा है। तो जितने भी आपकी इनवॉलंटरी फंक्शन है, आपका टोटल का टोटल लगातार 24 घंटे ये चलता रहता है, 24 घंटे ये काम कर रहा है। तो 24 घंटे ये काम करेगा भैया ब्रेन, तो ऐसी स्थिति में आपका C6H12O6+ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, हम लोग लगातार ग्लूकोज ले रहे हैं तो इसको एनर्जी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब लगातार काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको एनर्जी की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो हम मैक्सिमम आपका ये ग्लूकोज हो गया, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है, तो आपका CO2+H2O+ATP। तो ATP आपको पता ही है, ये आपकी क्या है? एनर्जी है। और इसी एनर्जी, जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है, समझ आ रहा है, जितनी भी हमारी एनर्जी बन रही है, और ये ग्लूकोज जो टूट रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, और ATP के रूप में हमें एनर्जी मिल रही है। तो जब जब कोई भी बॉडी पार्ट अगर लगातार 24 घंटे काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको ग्लूकोज बहुत ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। तो एक इस बोला जाता है कि जितनी भी एनर्जी पूरी टोटल बॉडी लेती है, जितनी भी एनर्जी लेती है, तो टोटल जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी ले रही है उसका ये 20% अकेला ब्रेन लेता है। टोटल एनर्जी का कितना परसेंट लेता है? 20% ऑफ टोटल एनर्जी। ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी को 100 कैलोरी की आवश्यकता है, या नॉर्मली मान लीजिए जिंदा रहने के लिए आपका जो योजना आयोग है, योजना आयोग ने डिक्लेयर कर रखा है कि साहब कि ग्रामीण प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति तो उसको जिंदा रहने के लिए आपका 2400 कैलोरी और शहरी प्रवेश के लिए आपका 2100 कैलोरी डिसाइड किया है। तो ऐसी स्थिति में तो ये टोटल एनर्जी का 20% ये अकेला यूज कर रहा है ह्यूमन ब्रेन, और बाकी 80% हमारे ब्रेन को छोड़कर के बाकी जितने भी ऑर्गन है, जितने भी सेल्स हैं, जहां एनर्जी मेकिंग हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है, मेकिंग हो रही है, एनर्जी बन रही है, बनना नहीं बोलते, कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका टोटल एनर्जी जितनी बन रही है बॉडी में, तो उसका 20% ही अकेला ब्रेन ले रहा है, और बाकी का 80% हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स लेते हैं।
बॉडी के अदर पार्ट्स लेते हैं, आपका जितने भी फंक्शन हो रहे हैं बॉडी के, हाथ घूमना, चलना, करना और बोलना, बोलने में एनर्जी लॉस हो रही है, चलने में एनर्जी लॉस हो रही है, बॉडी का वर्कआउट मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लॉस हो रही है, तो टोटल एनर्जी 80% पूरी बॉडी लेती है और 20% सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन लेता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग समझे। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं एक पॉइंट और छोटा सा ब्रेन के बारे में ही। ये फैक्ट है, ये जानना जरूरी है आपको, क्यों? क्योंकि ब्रेन डेड इंसान डेड। ब्रेन ये आपका जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, इसी तरीके से ये दिमाग है। इससे पूरा होल बॉडी फंक्शन कर रही है, जितने भी बॉडी है टोटल की टोटल बॉडी फंक्शन कर रही है। तो ब्रेन को बहुत बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। तो चलिए एक अगला पॉइंट और देखते हैं ब्रेन के बारे में और जानते हैं अगला पॉइंट। देखिए ब्रेन को बोला जाता है फैटिएस्ट ऑर्गन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैटिएस्ट ऑर्गन, यानी कि इसको फैट को क्या बोलते हैं? वशीय अंग बोला जाता है, वशीय अंग बोला जाता है। ये कैसा अंग है? ये आपका फैटिएस्ट ऑर्गन है। फैटिएस्ट ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रेन में हम हमारी जो बॉडी है या फिर हम जो न्यूट्रंस पोषक तत्व से बोलते हैं, पोषक तत्व जिनको बोला जाता है, यानी कि जितने भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जितना भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो कौन कौन से न्यूट्रिशन लेते हैं? तो हम फैट लेते हैं, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है, लगभग 93 कैलोरी पर ग्राम। एक ग्राम अगर आप फैट ले रहे हो तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 9.3 कैलोरी। इसके बाद स्टार्ट का नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? 4.2 से लेकर 4.5 कैलोरी पर ग्राम इतनी आती है। फिर हम तीसरा पोषक तत्व लेते हैं प्रोटीन, प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन कितनी एनर्जी रिलीज करता है? प्रोटीन एनर्जी रिलीज करता है 4.0 से लेकर के 4.1 कैलोरी पर ग्राम। तो देखा आपने, हम पोषक तत्वों के रूप में सिर्फ तीन ही चीज लेते हैं बॉडी में, आपका फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं। इन तीन के अलावा जितना भी हम कुछ लेते हैं, ना ही मिनरल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता, ना ही वाटर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता, ना ही हमें कोई अन्य चीज हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती है, सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व। हम सिर्फ तीन चीजें लेते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर है आपका, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, इन तीनों का ही हम डाइजेशन करेंगे। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का ही पूरा बॉडी डाइजेशन करती है, ना ही मिनरल्स का बॉडी डाइजेशन करती, ना ही आपका वाटर का डाइजेशन होता है। तो इन तीनों से ही हमें एनर्जी मिलती है। सॉरी, इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है, चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, इन तीन के अलावा चौथी चीज से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है, यानी कि एक ग्राम फैट अगर आप ले रहे हैं तो एक ग्राम से लगभग 9.3 कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 से 4.5 तक, यानी कि सेकंड नंबर पे आता है। और सबसे कम एनर्जी हमें मिलती है प्रोटीन से, 4 से लेकर के 4.1 कैलोरी पर ग्राम तक। तो फैटिएस्ट ऑर्गन क्यों बोला जाता है? तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन कौन सा होता है? इसे पहले बोल दिया फैटिएस्ट ऑर्गन है, तो इसमें मैक्सिमम आपका कौन सा है? फैट है, जो आपका मैक्सिमम न्यूट्रिशन के रूप में रहता है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपका क्या है? फैट है। और यदि मैं बात करूं जो मिनरल्स है, यानी खनिज तत्व के बारे में बात करूं, मिनरल्स के बारे में बात करूं, ये ब्रेन की बात चल रही है, मिनरल्स में यानी कि खनिज तत्व, खनिज तत्व की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है? आपका एन होता है। क्या होता है? एन होता है, यानी कि सोडियम। हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा पोषक तत्व कौन सा होता है? फैट होता है, वसा होती है। इसको हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, क्या होती है? वसा होती है। और मिनरल्स, खनिज तत्व ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा होता है सोडियम, सबसे ज्यादा होता है।
और फैटीस्ट ऑर्गन क्यों है? क्योंकि भैया ब्रेन को वर्क करने के लिए 24 घंटे वर्क कर रहा है, तो उसको लगातार एनर्जी की आवश्यकता है, तो इसीलिए फैटीस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा फैट इसके पास में रहता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो फैट के माध्यम से ही हमें 9.3 यानी कि 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी हमें मिलती है, तो इसलिए ये फैटीएस्ट ऑर्गन है, लगातार इसको फंक्शन करना है, 24 आवर्स इसको फंक्शन कराना है, इसलिए ब्रेन के अंदर जो आपका न्यूट्रिशंस है मैक्सिमम मात्रा में वो आपका फैट है। और यदि मिनरल्स की अगर आप बात करोगे तो मिनरल्स में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स यानी कि खनिज तत्व सबसे ज्यादा ब्रेन में कौन सा होता है, तो वो आपका Na होता है यानी कि सोडियम होता है। तो चलिए अगला पॉइंट एक और डिस्कस करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ब्रेन सेल की, ब्रेन सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या ब्रेन सेल। ब्रेन सेल के बारे में मुझे लगता है लाइट चली गई है, एक सेकंड। लाइट का थोड़ा सा इश्यू हुआ था, तो चलिए आगे पॉइंट मैं करा रहा था आपको, ब्रेन सेल के बारे में मैं आपको बता रहा था, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या ब्रेन सेल। अगला पॉइंट इसमें डाल लीजिए, अगला किस बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगला है आपका ब्रेन सेल यानी कि दिमाग की कोशिका या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो दिमाग की कोशिका या तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वो है आपका क्या है इसका आंसर, दिमाग की कोशिका या दिमाग की सबसे छोटी कोशिका या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो है आपकी न्यूरॉन्स कर सकते हैं आप, न्यूरॉन्स या नर्व सेल, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन्स या न्यूरॉन कर लीजिए अभी, न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्व को क्या बोलते हैं, नर्व को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये आपका ब्रेन की सेल कौन सी है, न्यूरॉन बोल देते हैं या नर्व सेल बोल देते हैं, दोनों का एक ही बात है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में टोटल होल बॉडी में लगभग 100 मिलियन, इतना लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स ट्रेवल करते हैं, कितना है, 100 ऑफ मिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में है, यानी कि अगर एक मिलियन की आप बात करोगे तो 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में आपका होता है 10 लाख, कितना 10 लाख, तो 100 मिलियन में कितना हो जाएगा, 100 × 10 लगभग 1000 लाख, समझ में आ रहा है, लगभग 1000 लाख, 1000 लाख, 1000 लाख का मतलब क्या हो गया, 1000 लाख का मतलब हो गया 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ आपका न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं, 100 ऑफ मिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और अगर पूछे जाए ब्रेन आखिरकार है क्या, ये न्यूरॉन्स का ही तो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को जब बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर के ब्रेन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है ब्रेन, ये टोटल न्यूरॉन्स की एक स्ट्रक्चर है। तो दिमाग की कोशिका क्या कहलाती है, ब्रेन की सेल क्या कहलाती है, न्यूरॉन या नर्व सेल इसको बोलते हैं, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन है या नर्व सेल है। और टोटल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ऑफ मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और यहीं पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपको सेल पढ़ाया था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, इसमें दो पॉइंट डाल के लिख लीजिए, इसके दो पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है, ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे,
मिनिमम रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ये इसमें न्यूरॉन्स के बारे में दो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ये। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि नर्वस सिस्टम की भी सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होगी, या ब्रेन की सबसे लंबी कोशिका भी यही होगी। क्यों? क्योंकि पूरे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि मिनिमम रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे कम रीजनरेट होने की क्षमता इसमें सबसे कम है। रीजनरेशन पावर से क्या मतलब है? रीजनरेशन पावर से मतलब है यहां पर कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी को मतलब लिवर इन्फेक्ट कर गया है और लिवर डोनेट करना है, गुर्दा डोनेट करना है, तो आपने देखा होगा गुर्दा एक व्यक्ति निकाल करके दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर देता है। तो ह्यूमन बॉडी में मिनिमम रीजनरेशन पावर किसकी है? रीजनरेशन पावर न्यूरॉन्स के नर्व सेल की। और नोट डाल के एक तरफ लिख लीजिएगा, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी है? मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसकी है? सबसे ज्यादा है लिवर की, लिवर यानी कि यकृत, यकृत, गुर्दा नहीं बोलेंगे, गुर्दा तो किडनी को बोला जाता है, तो यकृत लिवर की सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन्स। मिनिमम रीजनरेशन पावर का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सर में चोट लगी और न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, नर्व सेल डैमेज हो गई, तो बहुत ही मुश्किल से ये अपने आप को बिल्डअप कर पाती है, अपने आप को बहुत ही मुश्किल से ये रिपेयर कर पाती है। इसमें पुनः निर्माण की क्षमता ना के बराबर है, बहुत कम है, ये अपना पुनः निर्माण नहीं कर पाती है, रीजनरेट अपने आप को नहीं कर पाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के सर में चोट लगती है और चोट अगर ज्यादा लग जाए तो उस व्यक्ति का ब्रेन डेड कर जाता है, व्यक्ति मर जाता है। कारण क्या है? सर में चोट लगने से तत्काल व्यक्ति मरता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपकी नर्व सेल है उनके अंदर रीजनरेशन पुनः निर्माण करने की खुद की क्षमताएं ना के बराबर है, बहुत कम है, मिनिमम है। पूरी हो जितनी भी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं इसमें सबसे कम रीजनरेशन पावर आपकी नर्व सेल की और सबसे ज्यादा लिवर की है। तो जब कभी भी आप रोड पे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप प्लीज हेलमेट लगा के जरूर निकलें। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट होता है तो बार बार रोडों पर होर्डिंग लगे होते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ और किसी भी तरीके से सर में चोट लगी तो आपका बहुत ही मुश्किल है बचना, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जो नर्व सेल है ब्रेन की, इसके अंदर रिपेयर करने की क्षमता बहुत कम है, अपने पुनः निर्माण करने की क्षमता कम है, रीजनरेट करने की क्षमता बहुत कम है। इसलिए हमेशा हेलमेट लगा के आप चलें, जिससे कि ये सारी समस्याएं आपके सामने क्रिएट ना हो। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई, तो आगे बात करते हैं। और बहुत ही मुश्किल होता है जब ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति के सामने कि बहुत ही मुश्किल है कि ये ऐसी समस्याएं आपके सामने आए, सर में चोट लगे और चोट लगने के बाद में आप बच पाए। तो हमेशा सुरक्षित रहिए, सावधान चलिए और सावधान रहिए। और अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं इस ब्रेन की लेयर के बारे में, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं। ये देखिए, ब्रेन है आपका, ब्रेन है, ब्रेन की लोकेशन कहां है? ब्रेन की लोकेशन है बिलो द क्रेनियम, यानी कि कपाल के नीचे, कपाल के नीचे है। टोटल टोटल कपाल में कितनी बोन्स हैं? टोटल कपाल में आपकी 8 बोन्स होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। इस 8 हड्डियों के नीचे एक लेयर होती है। तो देखिए 8 हड्डियों के नीचे क्या होती है? लेयर होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये ब्रेन का एक बस ऐसी रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गई,
इसमें टोटल तीन लेयर होती है और इसके ऊपर हड्डियों का एक ढांचा है, इसके ऊपर इस तरीके से। ये किसका है? टोटल 8 हड्डियों का क्रेनियम है, क्रेनियम है आपका, कपाल है, और इस कपाल के नीचे आपके 3 लेयर हैं। बात समझ में आ रही है? इस कपाल के नीचे क्या है? इस कपाल के नीचे आपके 3 लेयर हैं, ठीक है ना। और इन 3 लेयरों को मिलकर के बोला जाता है मेनिनजाइटिस। क्या बोला जाता है? मेनिनजिस बोला जाता है। तो इसकी लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है पायामीटर। ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर कौन सी है? इनर लेयर है पायामीटर। इसको पायामीटर ही लिखेंगे, पायामीटर। ये इनर लेयर है। और जो मिडल वाली लेयर है, इसको बोला जाता है आर्केनॉइड। आर्केनॉइड बोला जाता है, इंग्लिश हिंदी में ही आर्केनॉइड, आर्केनॉइड बोला जाता है। और इसकी जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को बोला जाता है ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। तो ये आपकी इनर लेयर है, इनर लेयर है, ये आपकी मिडल लेयर है, और ये आपकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। ये 3 लेयर है आपकी, क्रेनियम, क्रेनियम के जस्ट नीचे 3 लेयर है। सबसे आउटर वाली जो लेयर है वो ड्यूरामीटर है, और मिडिल वाली जो लेयर है वो आर्केनॉइड है, और जो अंदर वाली लेयर वो पायामीटर है। उन 3 लेयरों से मिलकर के एक मेम्ब्रेन बनती है। इन तीनों लेयरों से मिलकर के, ये जो 3 लेयर है, इन 3 लेयरों से मिलकर के एक मेम्ब्रेन बनती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है मेनिनजेस, मेनिनजेस मेम्ब्रेन, मेनिनजेस मेम्ब्रेन। कौन सी लेयर है? मेनिनजेस मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में लिख लीजिए, मेनिनजेस झिल्ली। तो कोई क्वेश्चन अगर आए, तो क्वेश्चन अगर आए कि ब्रेन की मेम्ब्रेन का क्या नाम है, मेनिनजेस मेम्ब्रेन है। और मेनिनजेस मेम्ब्रेन 3 लेयरों का ग्रुप है, जिसकी इनर लेयर है पायामीटर, मिडिल लेयर है आर्केनॉइड, और आउटर लेयर है ड्यूरामीटर। क्या है? ड्यूरामीटर। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये है आपके ड्यूरामीटर। तो इन 3 लेयर से मिलकर के इसकी झिल्ली बनती है मेनिनजेस मेम्ब्रेन। और मेनिनजेस मेम्ब्रेन का काम क्या है? अगर मेनिनजेस मेम्ब्रेन के वर्क की अगर आप बात करोगे, इसका वर्क क्या है, तो सबसे पहला काम है इसका टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है ब्रेन को। और एक और इसका काम है क्या? टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। ये स्थायित्व देने का काम करती है ब्रेन को। और एक काम और है इसका, ये प्रोडक्शन दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है बाहर की चोट से। अगर कोई झटका मार दे तो ये इसमें ये मेम्ब्रेन अपने आप को सहन कर लेती है। अगर झटका पड़ता है तो ये सहन करने का, ये इस पर कोई चोट ना पड़े। स्टेबिलिटी यानी कि ब्रेन की जो पार्ट्स हैं वो, या ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं, इधर उधर मूव ना करें, उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। और एक काम और है इसका, टू प्रोटेक्ट द, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस। यानी कि जीवाणु और विषाणुओं से ब्रेन की सुरक्षा करती है। तो आपका जो मेनिनजेस मेम्ब्रेन है, इसके मेनली 3 काम है, सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा काम है स्थायित्व प्रदान करना, तीसरा काम है बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। ये 3 काम है। और किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश, या किसी भी तरीके से बैक्टीरिया और वायरस से इस लेयर में कोई इंफेक्शन पैदा होता है, इंफेक्शन क्रिएट होता है, तो ऐसी स्थिति में एक रोग उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये आपका मेनिनजेस मेम्ब्रेन है,
मेनिंजिस मेम्ब्रेन किसी भी कारणवश से ये इन्फेक्ट हो गई, इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में रोग होता है, उस रोग को बोला जाता है क्या? मेनिंजाइटिस। क्या बोला जाता है उस रोग को? मेनिंजाइटिस। क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस डिसीज, मेनिंजाइटिस डिसीज, इसको मेनिंजाइटिस ही बोला जाता है। और ये मेनिंजाइटिस डिसीज वो डिसीज है जो आपका जो सती प्रथा को खत्म करने वाले जो राजा राममोहन राय थे उनकी मृत्यु इसी बीमारी की वजह से हुई थी। ब्रेन की जो लेयर है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है, मेनिंजस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कोई भी इंफेक्शन क्रिएट होता है तो एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है, उस बीमारी को बोला जाता है मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस डिसीज। और जो सती प्रथा को खत्म करने वाले जो राजा राममोहन राय साहब थे उनको इसी रोग की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, मेनिंजाइटिस डिसीज की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो मेनिंजाइटिस का एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है, क्या? टू प्रोटेक्ट द, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस। और इसकी वजह से जो रोग होता है वो आपका मेनिंजाइटिस रोग होता है। और मैंने आपको बताया कि सती प्रथा को खत्म करने वाले जो राजा राममोहन राय साहब थे इसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप मेम्ब्रेन के बारे में आप जाने कि बिलो द क्रेनियम, क्रेनियम के नीचे तीन लेयर होती है, इनर वाली लेयर आपकी पायामीटर होती है, मिडिल लेयर आपकी आर्केनॉइड होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो ड्यूरामीटर होती है। और तीन लेयर से मिलकर के एक मेम्ब्रेन बनती है, मेनिंजस मेम्ब्रेन कहलाती है, जो कि आपकी ब्रेन की मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये सुरक्षा प्रदान करना, स्थायित्व प्रदान करना, और बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना। बात समझ रही है? अगर किसी भी कारणवश बैक्टीरिया या वायरस से कोई भी इंफेक्शन होता है तो एक रोग होता है मेनिंजाइटिस डिसीज। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ब्रेन के टाइप्स कितने हैं। ब्रेन के टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के, सॉरी ब्रेन के प्रकार नहीं, ब्रेन के भाग। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से थ्री पार्ट्स होते हैं? एक होता है आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जिसको हम बोलते हैं अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क किसे बोला जाता है? एक होता है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और एक पार्ट और होता है इसका, वो होता है आपका हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन इसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, मस्तिष्क ठीक, पश्चिम मस्तिष्क। अगर हम बात करें फोर ब्रेन, आगे वाला जो ब्रेन है आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन मध्य का है, और ये हिंड ब्रेन ये पीछे वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से तीन पार्ट में ह्यूमन ब्रेन डिवाइड होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, राइट। अब बात करते हैं इसके, इसके हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं और आपका फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं। तो तीन पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं? इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट हैं। एक है आपका थैलेमस, थैलेमस इसको थैलेमस ही बोलते हैं, थैलेमस। एक इसका पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपो थैलेमस, हाइपो थैलेमस। और एक होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम एक इसका सेरेब्रम, इसको क्या बोलते हैं? सेरे
ब्रह्म इसे बोला जाता है। और तीन मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन के कौन से होते हैं? हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पॉन्स बैरोलाई, पॉन्स बैरोलाई को पॉन्स बैरोलाई लिखा जाता है, एक इसका पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा इसको मेडुला ऑब्लोंगाटा ही बोला जाता है, और एक पार्ट इसका होता है सेरेबेलम, इसको मैं इधर लिख देता हूं, सेरेबेलम। तीसरा पार्ट इसका क्या होता है? सेरेबेलम होता है, इसको बोला जाता है अनुमस्तिष्क। यही लिटिल ब्रेन होता है आपका, छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। और इसको एक शब्द और बोला जाता है, इसको सेरेबेलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क भी इसे बोला जाता है सेरेब्रम को। देखिए दोबारा देख लीजिए, ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं सब। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक आपका फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, एक होता है आपका हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। और फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। सेरेब्रम को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और हिंड ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो पहला होता है पॉन्स बैरोलाई, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और तीसरा होता है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। और इसी को क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं। क्रांतिवीर मूवी देखी आपने, नाना पाटेकर, उसका परेश रावल जो मुंह बोला रहते हैं यानी पिता रहता है, वास्तव में उसके पिता नहीं रहते हैं, तो उसके पीछे से थप्पड़ मारता है, तो बोलता है ये बाबू यहां नहीं मानने का, यहां छोटा दिमाग होता है। तो यही छोटा दिमाग है क्या? लिटिल ब्रेन, सेरेबेलम। बात समझ आ रही है? ये पार्ट होते हैं। अब बात की जाए कि इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो ध्यान रखना फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है, उससे छोटा होता है हिंड ब्रेन और सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। मस्तिष्क के जो भाग हैं, पार्ट हैं, वो उसमें फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है, हिंड ब्रेन दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क का, और मिड ब्रेन सबसे छोटा पार्ट होता है। तो उससे फोर ब्रेन से छोटा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन से छोटा मिड ब्रेन। और यदि बात करें कि इसके जो सब पार्ट हैं यानी कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, पॉन्स बैरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा और आपका सेरेबेलम, तो इनमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका सेरेब्रम है। सेरेब्रम लार्जेस्ट सब पार्ट है। क्या है? लार्जेस्ट सब पार्ट, यानी कि इसके सब पार्ट है ना, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ये टोटल आपका 2/3 ये अकेला ही है। और लिटिल ब्रेन आप जानते हैं, ये अनुमस्तिष्क, ये स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन है। स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन कौन हो गया? सेरेबेलम हो गया, यानी कि लिटिल ब्रेन जिसे हम बोलना है, ये स्मॉलेस्ट सब पार्ट हो गया। और लार्जेस्ट सब पार्ट यानी कि 2/3 ये अकेला ही कवर करता है, सेरेब्रम ब्रेन का 2/3 ये अकेला कवर करता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट आपको समझ में आए। और कल जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, कल जो आपसे चर्चा करेंगे, वो आपका एक एक पॉइंट हम उठाएंगे जो इसके पार्ट हैं, और एक एक पार्ट को जब उठाते हुए हम देखेंगे कि किसके क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या आइडियोलॉजी है। और हम जो चलेंगे ना, ये इसके तीन पार्ट है, कल डायग्राम देखेंगे इसका, इसका डायग्राम क्या है, और फिर हम सेरेबेलम से स्टार्ट करेंगे, उल्टा चलेंगे हम, यहां से सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर आपका पॉन्स बैरोलाई, फिर मिड ब्रेन पे आएंगे, फिर
फिर फोरमैन पे थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरेब्रम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम इस तरह की सीक्वेंस चलेंगे कि इसका सीक्वेंस एक तरीका है, और क्लास कंटिन्यू बहुत कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू लेने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसी भी कारणवश कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास आपको बराबर मिलती रहे। तो ये आपका आपका ब्रेन के बारे में एक मोटा मोटा आपको जानकारी मिली, और कल इसके फंक्शन जो ब्रेन के पार्ट है उसके फंक्शन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज क्लास में बने रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप भी, मैं भी प्रयास करूंगा कंटिन्यूटी बनाने का। और प्लीज कंटेंट समझ में आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और मैक्सिमम आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ चीजें हमारी किस तरीके से जा रही हैं, और लाइक कीजिए और बाकी लोगों से भी शेयर करने के लिए बोलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।